एवरीवन नमस्कार, मैं हूं निधि। आप सबका वेलकम करती हूं निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों आज जो मैं आपके साथ रेमेडी लेके आई हूं ना, बहुत ही सिंपल है। अपने फेवरेट रेगुलर शैम्पू में आपको बस इसे मिक्स करके लगा लेना है, आपके जितने भी सफ़ेद बाल हैं ना बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे और जो हो चुके हैं सफ़ेद बाल वो धीरे धीरे ब्लैक में चेंज होने लगेंगे। दोस्तों इस रेमेडी को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ना ही कोई मेहंदी इस्तेमाल करना है, ना ही आंवला, ना ही इंडिगो, बहुत ही सिंपल है। तो देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। तो दोस्तों नहाने से पहले आपको इसे बनाना है, एक क्लीन बाउल लेना है और सबसे पहले यहाँ पे ऐड ऑन करना है कोकोनट ऑयल। दोस्तों नारियल का तेल आपको ऐड ऑन करना है, ये बहुत अच्छा सा नरिशमेंट देता है, हमारे बालों को जड़ से मजबूत करता है, साथ ही साथ हमारे सफ़ेद हुए बालों को भी ये रोकता है। तो यहाँ पे एक से डेढ़ चम्मच आपको ले लेना है नारियल का तेल। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, आपको सूट नहीं करता है, तो इसकी जगह पर जो भी आप रेगुलर तेल इस्तेमाल करते हैं ना वो आप यहाँ पर ले लें। नेक्स्ट हमें ऐड ऑन करना है यहाँ पे कैम्फर यानी कि कपूर। कपूर दोस्तों किसी भी घर में मिल जाता है, ये पूजा पे मिल जाता है, अगर नहीं है तो आप इजली इसे बाई कर सकते हैं मार्केट से। दोस्तों हमें यहाँ पे एक टिकिया इसे लेना है और इस तरह से क्रश करके डाल देना है। गर्मियों का सीज़न है, अभी बहुत ज़्यादा खुजली होती है बालों पे, डैंड्रफ हो जाता है, साथ ही साथ बाल झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं पसीने के कारण, तो इन सब से ये निजात दिलाता है और उम्र से पहले सफ़ेद हुए बालों पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हमें लेना है यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर। आप सबको पता है कि कॉफ़ी हमारे बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। एक चम्मच इतना लेना है कॉफ़ी पाउडर, इसमें होता है कैफेटीन जो कि हमारे मेलानिन को करता है बूस्ट। दोस्तों कॉफ़ी पाउडर ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, आप जो भी हेयर पैक लगाते हैं ना, जो भी हेयर डाई लगाते हैं उसमें ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको ज़रूर अपने बालों में फ़र्क दिखेगा। यहाँ पे एक चम्मच मैं ले ली हूँ कॉफ़ी पाउडर। अब यहाँ पे आपको ऐड ऑन करना है शैम्पू, जो भी आप रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ना बस आपको वही यहाँ पे डाल देना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। एक चम्मच भी अगर आप डालेंगे ना और इसे मिक्स कर दें, और उसके बाद आपको नहाने से पहले अपने बालों को वेट कर लेना है यानी कि गीला कर लेना है और इसे मसाज करके बालों पर लगा लेना है। लगा के 5 से 10 मिनट के लिए बालों पर रहने दें, उसके बाद आपको पानी से इसे वॉश कर लेना है। बस आपको करना ये है कि जब भी आप शैम्पू करें ना तो इस तरह से आप शैम्पू करें, आप देखेंगे कि आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल डार्क कलर में आ जाएंगे, ब्लैकिश कलर में आ जाएंगे और साथ ही साथ जो सफ़ेद बाल जो जल्दी आ रहे थे ना वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और बाल तो सिल्की एंड शाइनी होंगे ही होंगे। तो ये थी आज की रेमेडी, होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।